क्या लाडलो मखावारी भी नमस्ते। बेस्ट बुक फॉर HSSC ग्रुप डी एंड हरियाणा पुलिस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए कौन सी बुक सबसे बेहतरीन है। तो आपको मार्केट में बहुत सारी बुक देखने को मिलेंगी। एक बुक है हरियाणा मंथन के नाम से, राकेश यादव जी की, उसके बाद HSSC ग्रुप डी की। इस वीडियो में इस बुक का हम डिटेल रिव्यू करेंगे कि ये कैसी बुक है, आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और ये बुक मैंने अभी एक महीने तक पढ़ी है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करूँगा। इसी साथ एक और बुक है हरियाणा का विकिपीडिया, हरियाणा सामान्य ज्ञान, ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं विद्यापीठ के। वैसे हरियाणा जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक बताई जाती है अरिहंत की हरियाणा सामान्य ज्ञान। तो एक बार हम इनको साइड में कर देते हैं और बुक देख लेते हैं कौन सी अपने पास। प्रैक्टिस टेस्ट हैं फिर से प्रभात के 20, अजय भार्गव की हरियाणा ग्रुप डी की बुक है। और साइंस के भी नोट्स हैं यहाँ पर अजय भार्गव के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बुक से आप हरियाणा ग्रुप डी या हरियाणा पुलिस या हरियाणा के किसी भी टेस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो भाई साहब ये नामुमकिन है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है। लेकिन अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ के लिए एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। मैथ के लिए आप चाहें तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, और भी कोई राइटर आपको पसंद है आप उनकी बुक भी ले सकते हैं। बुक सारी सेम होती है, बस मायने रखता है कि उसमें कितनी गलतियाँ हैं। उसके बाद साइंस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, और हरियाणा के जीके के लिए आप अरिहंत बुक का अपडेटेड वर्जन ले सकते हैं। तो अगर आप इन सारी बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम बाकी लोगों के जैसे नहीं करेंगे कि जी ये बुक आई, आपने इस बुक की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी होंगी जहाँ पर इस बुक का प्रमोशन किया गया। मैं ये बात बिल्कुल दावे साथ कह सकता हूँ कि उन लोगों में से किसी ने ये बुक पूरी नहीं पढ़ी, नहीं तो कोई भी इस बुक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। अगर आपके पास ये बुक है तो आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बाकी यूट्यूबर्स ने क्या किया, आपको दिखाई सिर्फ 2 पेज। कौन से 2 पेज? ये वाले 2 पेज। विषय सूची इसमें बता दिया जी, करंट अफेयर सारा दिया है, फिर सामान्य जागरूकता, तार्किक क्षमता, इसके बाद गणित दिया है, विज्ञान दिया है, इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है, हरियाणा का सामान्य ज्ञान दिया है। बस अब अगर आप बात करेंगे विज्ञान, इंग्लिश और हिंदी की, बिल्कुल ही नाम मात्र है। इस बुक से आप सीख तो कुछ भी नहीं सकते। अगर आपने बहुत सारी बुक पढ़ ली है तो आप इसको एक बार ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसमें गलतियाँ क्या हैं। तो सब लोगों ने क्या किया, सिर्फ इतने पेज दिखा दिए, उसके बाद बता दिया कि जी इस बुक में सब चीज़ें कवर की गई हैं। साथ ही लिखा है 2800+% 2 प्रैक्टिस सेट्स। ये 2800% कैसे हैं, अब आप एक बार देख ले जरा। वैसे भी आपके पास बुक होगी तो आपका इसका आइडिया ज़रूर होगा। इन्होंने हर एक टॉपिक के बाद उसके कुछ एक सवाल दिए, जैसे ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे हर एक चैप्टर के साथ में। लेकिन मेरी इस बुक के राइटर से या इस पब्लिकेशन से एक दरख्वास्त है कि अगर आप इन 2800% के 100-100 सवाल करके 28 टेस्ट पेपर बना देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, उससे स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता। अब देखिए इस बुक में गलतियाँ दिखाता हूँ आपको। सिर्फ हरियाणा जीके की बात करते हैं, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए। अब ये बुक लिखी कैसे गई है, या फिर कोई भी बुक कैसे लिखी जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। आप भी चाहें तो एक बुक लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि बुक लिखी कहाँ से जाती है। अब ये पहली चीज़ है हरियाणा का मंत्रिमंडल या उनके विधानसभा क्षेत्र, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था ESC हरियाणा का, जहाँ पर हर एक चीज़ को रेफ़र किया जाता है, जो भी आंकड़ों से संबंधित सवाल होते हैं या हरियाणा जीके से रिलेटेड सवाल होते हैं वो ESC हरियाणा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर एक PDF है 709 पेज की, उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया, वो वीडियो आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए पहली गलती, चरखी दादरी कब बना, 16 नवंबर 2016 को। तो भाई साहब ये बना था 1 दिसंबर 2016 को। जिस PDF का अभी मैंने जिक्र किया उस PDF में साफ लिखा है 1 दिसंबर 2016 को बना। ठीक है चलिए, तो बहुत ही छोटी सी है।
कोई नहीं। अब इन्होंने लिखा है पहली हरियाणवी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी, जबकि यहाँ पर आएगा धरती जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। इसके बाद है प्रमुख झीलें, बड़खल ठीक है भाई, शायवी, वैसे अब ये झील मुझे कहीं नहीं पता चली कहाँ पर है, अगर आपको पता चले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चल जाएगा थोड़ा। उसके बाद देखिए ये बुक, इस बुक में मुझे थोड़ा डाउट होता है कि कहाँ से लिखी है। लिखा है गीता फोगाट भिवानी से, बबीता फोगाट भिवानी से। अगर आपने लिख दिया कि दादरी अलग से जिला है तो यहाँ पर ये दादरी किस लिए नहीं लिखा गया, ये चीज़ कहीं ना कहीं से रेफर की गई है। अब ये मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ये कहाँ से की गई है। ये हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा है कि हरियाणा में कितने मंडल है, उपमंडल है, तहसील है, उप तहसील है, खंड है। ये मैंने जिस पीडीएफ का जिक्र किया उस पीडीएफ में सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें इवन 1 फरवरी 2018 तक का डेटा है। इस बुक का मुझे नहीं पता ये कब तक का डेटा है। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, आपको इसी साथ एक जीके का सवाल बता देता हूँ कि कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसमें कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो ये आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे बड़ा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है तो 7 है। यहाँ पे लिखा है जिलेवार नगर पालिकाएँ परिषदें, अगर इसको थोड़ा बाइफरकेट कर देते कि कौन सा नगर पालिका है, कौन सा नगर परिषद है, तो कितना आसान हो जाता बच्चों के लिए, लेकिन नहीं भाई साहब। अब एक और आप पढ़ सकते हैं, जिला भिवानी की प्रमुख फसलें, जिला भिवानी राजस्थान की सीमा से सटा होने के कारण इसका ज़्यादातर इलाका रेतीला है जिसमें ऊंचे नीचे टीबे हैं, तो भाई साहब इसमें फसल कहाँ पर है एक बार ज़रूर बताएं आप। एक और देख लीजिए, मध्यवर्ती भाग में सिंचाई के साधन, हरियाणा का मध्यवर्ती भाग कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक, पानीपत व सोनीपत जिले का, तो इसमें सिंचाई के साधन आपने कहाँ लिखे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, एक और कमाल की चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ। एक वो देख सकते हैं भिवानी जिले की तहसील दादरी, 2 पेज पहले लिखा है कि दादरी जिला बना था, अब यहाँ पर तहसील है, पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा इसमें। अब ये देखिए कमाल की चीज़ है, जिला क्षेत्रफल भौगोलिक वन, तो ये इन्होंने भौगोलिक वन 44,212, ये तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। एक यहाँ पर कॉलम है इसका कुछ नहीं लिखा है कि भाई साहब ये चीज़ क्या है, ये समझ ही नहीं आता मुझे तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट उद्योग, सूरजपुर दादरी का जिक्र ही नहीं है, जबकि दादरी में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री होती थी। एक और गलत है, टीआईटी मिल की स्थापना 1943 लिखा है, 1943 में टीआईटीएस कॉलेज की स्थापना हुई थी, टीआईटी मिल की स्थापना हुई थी 1937 में। उसके बाद अभी कुछ कमाल की चीज़ें बाकी हैं, यहाँ पर आपको पता ही होगा इसके बारे में कि इसमें जो NH है वो सारे पुराने हैं, जबकि इनको चेंज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ये मैंने नाम लिखे हैं, मैंने NH पे कंप्लीट वीडियो भी बनाया, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कौन से NH का क्या नाम चेंज हुआ। जैसे कि यहीं पे NH 65, इसके नाम है 152 52, तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये आपको मिल जाएगा। इसी साथ आपको जीके का एक सवाल भी बता देता हूँ कि हरियाणा में कुल NH 30 हैं और सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है, ये इस बुक में कहीं नहीं लिखा। एक और चीज़ देख लीजिए आप, सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा लिखा है अम्बाला का 70.010, और इसके अगले पेज पे लिखा है राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अम्बाला जिले में है, जबकि सबसे कम सिरसा जिले में। आप इस पेज पे एक बार वापस आएँ, यहाँ 70 लिखा है, सिरसा में 39 है, मेवात में 37 है, तो भाई साहब किसका कम है आप एक बार ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल कहाँ से आती है, ये जो PDF का मैंने जिक्र किया उस PDF में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद लिखा है लोहारू में भी बहुत तकनीकी संस्थान खोला जा रहा है जिसमें भवन निर्माण का कार्य प्रगति पे, इसका नाम रानी झांसी लक्ष्मीबाई पॉलिटेक्निक है, जिसमें 2007 से 10 तक तो मैंने खुद पढ़ाई किया, इसको बने हुए बहुत साल हो चुके हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नाम मात्र यूनिवर्सिटी लिखी है, बंसीलाल, MDU, KU, GJU ऐसे करके। अब इसमें आपको पता है कि नॉर्थ कप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये सवाल HSSC के द्वारा पूछा जा चुका है। इसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी का कहीं पर जिक्र नहीं है, बागवानी का, आयुष का, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एशियाई खेलों का जिक्र है 17वें, जबकि 18वें अभी इंडोनेशिया में कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे पता नहीं इसमें कितने। ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स का है, ग्लासगो वालों का जिक्र है, लेकिन 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं गोल्ड कोस्ट में। हम आपको क्या क्या बताऊँ इस बुक के बारे में, ये तो मैंने लगता है मैंने 1 महीना ख़राब कर दिया इस बुक को पढ़ने में।
यहाँ पर देखिए सूरज कुंड मेले का लिखा 1 फरवरी से 15 फरवरी, ये इन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया कि 2018 में 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था। अगर आप सिर्फ इस बुक को प्रेफर करेंगे या इस बुक से पढ़ेंगे तो भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुई आपको ये जानना ज़रूरी है। पता नहीं इन्होंने किया या कुछ एक यूट्यूबर जो हमारे चहेते यूट्यूबर है जिसमें से राजेश भाई भी एक है, उन्होंने इस बुक का प्रमोशन किया या फिर रिव्यू दिया, उन्होंने बताया कि बुक अच्छी है। तो भाई साहब से एक सवाल है, आप मुझे एक बार बताएं कि क्या आपने ये बुक पढ़ी थी, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये बुक सबसे अच्छी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उन लोगों ने इस बुक का प्रमोशन कैसे किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उनके वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं जहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर उन लोगों ने चलाएं कैंपेन। तो इसका मतलब होता है कि जब भी इस लिंक पर से कोई बुक खरीदेगा तो उनको पैसे मिलेंगे। तो इसका एक तात्पर्य ये निकलता है कि उन लोगों ने सिर्फ कुछ पैसे के लिए ये बुक आपको रेकमेंड कर दी कि आप इसको ऑनलाइन ख़रीद लें और उनको इसके बदले में कुछ पैसे मिल जाएं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, उस बुक में कैसा मटेरियल है, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस बुक में कितनी गलतियाँ हैं। तो भाई साहब सोचने की बात है, एक बार इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर सोचें कि जो लोग आपको सही बताते हैं क्या वो सही में सही है। HSSC ग्रुप डी के बारे में इन लोगों ने एक और चीज़ बताई थी कि जी बेलदार के लिए अगर किसी ने इरीगेशन डिपार्टमेंट नहीं भरा तो उसकी जॉब नहीं लगेगी। इन लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको प्रेफरेंस भरनी है 15, जिसका मतलब है कि अगर आप पेपर में टॉप कर देते हैं, मतलब कि मेरिट में आ जाते हैं 75 नंबर, और आपने पोस्ट पहले ही कोई भर रखी है बेलदार की, लेकिन अगर आप चाहते थे कि जी अच्छे नंबर हैं तो मुझे लैब अटेंडेंट मिल जाए या स्टोर कीपर मिल जाए या मुंशी मिल जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। वो इन लोगों ने क्यों नहीं पता किया, ये भी मेरा सवाल है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप HSSC में किसी भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस बुक से दूर रहें, मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा ये बुक ख़रीदने की, बाकी भाई साहब आपकी मर्ज़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके एग्जाम कट की इस बुक के रिव्यू के बारे में। धन्यवाद।